चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल होगी हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। आज स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की अलग से बैठक बुलाई गई है। पीएसी के सदस्यों से उनकी राय ली जा रही है और कल से सभी दावेदारों के पैनल पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। कल से सभी दावेदारों के पैनल पर बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक कर रही है और कल हरियाणा कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होनी है। लगातार हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, कल हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए, बिल्कुल, दिल्ली में लगातार टिकट वितरण को लेकर जो बैठकों का दौर है वो तमाम पार्टियां कर रही है और कांग्रेस की जहां तक हम बात करते हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो औपचारिक रूप से कल से शुरू होती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो अपनी बैठकें जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माथन, उसके अलावा सदस्य मणिकम टैगोर की बात की जाए, बी श्रीनिवास की बात की जाए और जिग्नेश ठाकुर की बात की जाए, वो तमाम जिग्नेश निवानी की बात की जाए, तमाम लोग जो है वो जो है दिल्ली में अलग अलग हरियाणा के जो बड़े नेता है, बीजेपी के नेता है, उनसे राय लेते हुए जो है नजर आ रहे। कल हमने देखा था किस तरीके से जो अलग अलग नेता थे जो की चुनाव लड़े थे क्योंकि चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उनसे राय ली गई। इसके अलावा कैप्टन अजय अकबर से जो है राय जो है सीधे तौर पर जो है ली गई थी। ऐसे में हरियाणा के लिहाज से समझने की कोशिश जो है वो जो दो तमाम नेता अपनी अपनी सूची भी जो है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को देते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन अजय यादव की बात करें, करीब 88 जो उम्मीदवारों की सूची है वो कैप्टन अजय यादव के द्वारा जो है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को दी गई है। ऐसे में इस साल जो है आगे आने वाले समय में जो तमाम जो टिकट वितरण होगा उसमें देखने को मिलती है नजर आई, क्योंकि तमाम नेता चाहेंगे की उनके ज्यादा से ज्यादा जो समर्थक है उनको जो है टिकट जो है मिलती हुई नजर आए। बिल्कुल, और स्पर्श, उससे पहले जब बीते दिनों हरियाणा कांग्रेस के आवेदकों की जो लिस्ट एक वायरल हुई थी सीट के दावेदारों की, उसके बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी, क्योंकि कई सारे दावेदार थे, कई सीटों पे तो 40-50 से ज्यादा दावेदार जो है उन्होंने आवेदन किया और ऐसे में इस बैठक के बाद ये निर्णय ले पाना है, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक चुनौती भी है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती रहेगी सीधे तौर पर पार्टी के सामने की 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं, स्क्रूटनी किस प्रकार से आवेदनों की देखने को मिलती नजर आए, क्या क्राइटेरिया निकाले जाएंगे। एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है, क्षेत्रीय समीकरण साधे जाते हैं, जातिगत समीकरण साधे जाते हैं, उन तमाम जो है आधार पर जो है जो टिकट वितरण है वो देखने को मिलता नजर आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल की जो नेताओं के मन में सिर्फ उठम्बल देखने की मिलता नजर आता है, खींचतान देखने को मिलता नजर आता है, वो खींचतान क्या टिकट वितरण में भी देखने को मिलती भी नजर आएगी, क्योंकि जिस भी प्रकार से टिकट वितरण होगा जो तमाम नेता चाहेंगे उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, ताकि आगे आने वाले भविष्य में अगर मान लीजिए कि सरकार बचती है तो सीएम चेहरा पूर्ण होगा, फिर उसमें दबाव की रणनीति जो है बनती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे के तमाम तरीके से जो है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बेहद सोच समझ कर जो बैठे हैं वो तमाम नेताओं से जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, राय मशवरा देखने को मिलता नजर आ रहा है और जो है जिस प्रकार से ये माना गया था कि लोकसभा चुनाव में जो तमाम जातिगत समीकरण साधते हुए जो कांग्रेस है उन्होंने टिकट बांटी थी, कुछ इसी प्रकार से जो है इस बार भी कांग्रेस जो है टिकट वितरण करना चाहती है। बिल्कुल, स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लगातार ये बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, पीएसी के सदस्यों से फिलहाल उनकी राय ली जा रही है और कल से पैनल को लेकर भी चर्चा की जाएगी।